राइट right, मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूं हार सुल्तान एक पाकिस्तानी मूल है जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ तो अभी यह बॉयकॉट के ऊपर बात हुई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बॉयकॉट फ्रांस करना है ने लगाया हुआ कि हमने बॉयकॉट करना है तो उसमें एक यार एक वो मुझे अभी मेरे जहन में इनकी जो 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 फ्रांस की एक्सपोर्ट्स हैं वो टॉप के बीस मुल्क हैं उनमें से सिर्फ एक मुल्क है तुर्की जहां पे फ्रांस की एक्सपोर्ट को सात अरब डॉलर के करीब है जो वो भी सतारवे या अठारवें नंबर पे है तो फ्रांस की मोस्टली एक्सपोर्ट्स तो अमेरिका को आ, बेल्जियम इंग्लैंड और नैदरलैंड uh, अपने यूरोपीय मुल्कों को गोरव के मुल्कों को है तो उन्हें तो फर्क कोई खास नहीं पड़ता है यहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी फ्रांस ने कि हाँ भी हमारी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट ना करो हालांकि और जो कि वो दे सकते हैं इसमें देने में क्या है जारी बात है उनके कुछ ना कुछ तो ताजिर होंगे जिनको नुकसान होगा लेकिन ये बात भी ठीक है कि मुसलमानों को भी इस चीज का हक है कि अगर उन्हें एक मुल्क नहीं पसंद आ रहा कि एक मुल्क हमारी इज्जत नहीं करता फॉर एग्जाम्पल तो मुसलमानों को हक है कि वो बॉयकॉट की कॉल दें तो इसमें कोई गलत बात किसी दोनों तरफ से नहीं है लेकिन मजे की बात यह है कि जो लोग कहते हैं बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो वो खुद क्या करते हैं ये देखें ये तुर्की के वजीर आजम की फिर अब ये फ्रेंच ठीक है पुराना होगा लेकिन देखो हिजाब सर पे कस के बांधा हुआ है और पचास हजार डॉलर का ब्रांड ब्रांड पहना हुआ है और चलो ये तो अभी हुआ ना कार्टून वाला मोहम्मद के कार्टून वाला चक्कर तो अभी हुआ ना ये आम, हिजाब का और मुसलमानों से के खिलाफ फ्रांस बड़ी हरकतें कर रही है तो बड़ा पहले से चलता आ रहा है ना फिर भी इसने इस औरत ने इसको जहमत नहीं आई कि ये कोई फ्रेंच ब्रांड ना पहने कोई और ब्रांड कोई इटालियन ब्रांड पहन ले अगर इतना ही इसको शोक है लेकिन नहीं ये फुदू जो होता है ये सिर्फ ये इनको गरीबों को लगाया जाता है खुद फ्रेंच वाइन भी चल रही होगी शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है वो फ्रांस से उसका पानी आता है बोतलों का खुद वो पानी चल रहा होगा फ्रांस का बस ये ऐसे जाहिलों को को ये बेचारे जो बेचारे जो बैठे होते हैं नीचे इनको कुछ पता नहीं होता इनको बेवकूफ बनाते रहते हैं और शुगर लगाते रहते हैं उन लोगों का मजे की बात ये बॉयकॉट के ऊपर अपना फ्रांस ने फ्रांस की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है पांच मिलियन यूरो साल की पाकिस्तान को फ्रांस भीख देता 500 मिलियन डॉलर 700 सौ मिलियन यूरो जो तकरीबन 700 सॉरी 600 मिलियन डॉलर के करीब बनता अब फ्रांस बॉयकॉट करते हैं, सो मिलियन डॉलर गया आपका पहले हमारे फॉरेन गिरते रहते हैं पहले कभी हथे हमारे वजीर आजम साहब का हाथ ऐसे होता है कि दे दो मुझे जो भी दे सकते हो तो इन लोगों ने क्या क्या पंगे लेने इन्होंने वो बेचारा लू लू है आ, एक बिस्कुट की कंपनी पाकिस्तान में उसका वो भी डिस्ट्रीब्यूटर तो फ्रेंचाइज मॉडल होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वही उनका ही प्रॉफिट होता है उन्होंने बेचारों ने लेटर लिख ले दिया उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो साढ़े चार हजार के पता नहीं पैंतालीस हजार लोग पाकिस्तानी लोग हमारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं तुम लोग उनका बॉयकआउट करोगे तो ये लोग किधर जाएंगे और मजे के बाद वो पैंतालीस हजार या साढ़े चार हजार जो भी लोग होंगे ना वो भी कह रहे होंगे यार नवी मुसीबत पे आ गई की हो गया मोहम्मद कार्टून बना दिया क्योंकि जाहिर बात है लोगों को अपने पेट से मतलब होता है ये उस वक्त किसी ने नहीं कहा होगा कि हाँ छोड़ दो हाँ भाई हमने अब नहीं करना आ, हम आ, भाई अब हम छोड़ के जा रहे हैं आ, इस कंपनी में काम नहीं करेंगे क्योंकि ये काफरों की बनाई हुई कंपनी नहीं तब वह सारे शुगर लगाएंगे ऐसा नहीं होगा ये देखें एक नई खबर आई है ये, ये सारे लोग फ्रांस की नेशनैलिटी छोड़ के ना पाकिस्तान वापस आ गए <laughs> ऐसे कभी भी नहीं हो कभी भी इन्होंने ऐसे करना कि भाई फ्रांस को छोड़ दो मोहम्मद हजरत मोहम्मद को फिर से याद कर रहा है भाई हजरत मोहम्मद के जमाने में कॉन्डम कल अब तो अपने अबू की लगाई हुई है जाकिर नायक की मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकू